अहिर समाज को शिक्षित बनाना ही वरजंग भाई का मुख्य उद्देश्य। इस छोटी कद काठी को देखकर शायद किसी को पहली मुलाकात में ये अंदाजा न हो पाए कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं उसके इरादे किसी चट्टान से कम नहीं है। उसने अगर किसी काम को करने की ठान ली तो आंधी और तूफान भी उसके कदम को पीछे नहीं हटा सकते। अहिर समाज की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाली इस करिश्माई शख्सियत का नाम वरजांग भाई है। वरजांग भाई और उनके साथियों ने अहिर समाज के लिए जो जो काम किया है उसकी गिनती करना काफी मुश्किल है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि ये बड़े से बड़े कार्य करने के बाद भी उसका श्रेय लेना पसंद नहीं करते। ये किए गए कार्यों का श्रेय अपने साथियों को देना पसंद करते हैं। वरजांग भाई के लिए अगर सादा जीवन उच्च विचार की कहावत का इस्तेमाल किया जाए तो ये इस शख्सियत पर पूरी तरह से फिट बैठती है। गुजरात के अहिर समाज को हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर देखना यही इस शख्स का सपना है, जिसे पूरा करने के लिए ये पूरे तन मन और धन से जुटे हुए हैं। इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बावजूद वो अपने पुराने दिनों को भूले नहीं हैं। इस समय एक आलीशान बंगलों में रहने वाले वरजांग भाई बड़े आराम से कहते हैं कि सन 1978 में वो इस बंगले के बाथरूम के बराबर एक कमरे में पूरे परिवार के साथ सूरत में रहा करते थे। वरजांग भाई अपने समाज की लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने और उन्हें कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए अहमदाबाद में एक आलीशान हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, जिसमें 1000 लड़कियों के रहने की सुविधा होगी। कि हमारा अहमदाबाद सरखेज हाईवे जो SG हाईवे बोलते हैं, वो हाईवे के नज़दीक जो 16 मैक और 33 के जो बीच हमने गवर्नमेंट ने हमको एक ज़मीन अलॉट किया है 6200 मीटर, तो उसमें हम 1000 बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ यादव अहिर की बेटियाँ वहाँ रेसिडेंट हॉस्टल में रहेगी। तो पूरा हमारा 1.5 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम है और हमारा 30 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है। तो हमारे पूरा गुजरात में हर तहसील में कॉलेज तो है ही, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए जो बेटियां हमारी अहमदाबाद में पेइंग गेस्ट में रहकर पढ़ती है उसके लिए खासम कर रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें 3-स्टार हॉस्टल बनाएंगे और पूरा समाज के सहयोग से ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ के जहाँ पर UPSC का कोचिंग भी मिलेगा, GPSC का कोचिंग भी मिलेगा और जो हमारी IMM कॉलेज है, सेफ्ट है, जहाँ बेटियों को एडमिशन हॉस्टल में नहीं मिलता है वो बेटियाँ हमारे हॉस्टल में रहेंगे। उसके आने जाने के लिए जो वाहनों की सुविधा हमारी बिरादरी की ओर से होगी। हमारा आयर एजुकेशन जो ट्रस्ट अहमदाबाद का है जिसका मैं कार्यकर्ता हूँ और एक हिसाब से ये पूरा ध्येय बना के हम लोग निकले, पूरा 3 साल का प्रोग्राम कार्यक्रम है और हमको हमारा समाज पर हमको पक्का भरोसा है, हमारी बात लोग ने मानी है और मानेंगे और समाज का फंड हो जाएगा। अभी तो काम शुरू नहीं हुआ और मेरे को इस बात की खुशी है कि हमारा 12 करोड़ का फंड नोट आउट हो गया है और समाज और बिरादरी एजुकेशन के लिए बहुत जागरूक है। हमारे समाज के हर इंडस्ट्रियलिस्ट और समाज के अग्रणी है, सब लोग का एक ही ध्येय है कि बच्चों को पढ़ाओ, बस हम जो पिछड़े हैं तो उसका एक ही दवा है एजुकेशन। इस साल फरवरी में सूरत शहर में 502 जोड़ों का बड़ी कामयाबी के साथ समूह लग्न करके अहिर समाज ने एक इतिहास रचा है। इस समूह लग्न में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। वरजांग भाई बड़े फख्र से बताते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम का पूरा खर्च सिर्फ एक व्यक्ति नट्टू भाई ने किया था। बहुत ही जो आप बता रहे, और पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ
पूरा मैनेजमेंट के पूरा समझो 100,000 लोग उस समूह शादी में इकट्ठे हुए थे, तो 502 जोड़ा थे, तो पैरेलल उसकी शादी चल रही थी, पैरेलल हमारा फंक्शन चल रहा था, पैरेलल उसका भोजन चल रहा था, कहीं भी मिसमैनेजमेंट नहीं। हमारे 3500 स्वयंसेवक खड़े पांव ये काम कर रहे थे। और जो हमारा यहाँ का जो ट्रस्ट है समूह लग्न समिति का, आई समाज सेवा समिति, वो ओनली 5 दिन के लिए काम नहीं कर रही है, ये समूह शादी के लिए 365 दिन काम कर रहे हैं, तब ये काम बनता है। और जो हमारा जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट के सब जो ट्रस्टी गण है हमारे, वो दिन रात लगे रहते हैं। अभी शादी तो फरवरी में 5 फरवरी पूरी हो गई, अभी भी काम चल रहा है उसका। जो हमारे स्वयंसेवकों ने जो मदद की है उसका, हम उसको मीटिंग बुलाएंगे, गैदरिंग करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, सबको खाना खिलाएंगे, उसका सबको अप्रिशिएट करेंगे। और ऐसे ही हमारी बेटियाँ बहनें जो सब हमको मदद की है, जो पूरा स्वयंसेवक करते बिना शुल्क, और इतने लोग काम के लिए उत्साह से काम कर रहे हैं, तो गुजरात में नहीं अब तो उसका पूरा इंडिया में उसका हमारा लोगों ने नोंद ली कि भाई ये तो गुजरात में पहली बार यादव समाज ने 502 जोड़े की शादी की। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि पूरी शादी का खर्चा डोनेशन हमारा बिरादरी के एक ही आदमी ने दिया, उसका नाम है नटू भाई भाटू। वरजांग भाई अपने काम के बीच में अपने समाज के बड़े नेता जो इस समय दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको याद करना भी नहीं भूलते। वह इन नेताओं की खूबियां बयान करते हुए थोड़ा दुखी भाव से कहते हैं कि ये नेता बड़ी जल्दी इस दुनिया से चले गए। ये सभी समाज के बड़े कद्दावर नेता थे जिनकी कमी आज महसूस की जा रही है। ये हमारी कमनसीबी है कि जो हमारे बहुत शक्तिशाली राजकीय नेता थे ना, वो सब जल्दी चल बसे। हमारे गुजरात के बहुत बड़े नेता थे, कद्दावर नेता, जसूभाई बारड़, तो 60 साल की उम्र में उसके कैंसर की वजह से वो चल बसे। हमारे समूह में मारू बहुत बड़े थे, उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। हमारे पैथलजी बाबा चावड़ा जो, वो तो ठीक है, उसने बहुत मिसाल बेटियों के लिए पढ़ाने, उसने कन्या कैलोनी जो हमारे यहाँ का उसका सूत्र था, उसने बहुत किया है। उसकी संस्था में भी अभी 2000 बेटियाँ पढ़ रही हैं, लेकिन वो भी चल बसे। और जो हमारे जामनगर में बहुत शक्तिशाली नेता थे, जो अभी हमारी रनिंग, हमारी जो MP है पूनमबेन मैडम, उसके पिताजी थे हेमंतभाई मैडम, वो 45 साल की उम्र में चल बसे। उसके बड़े भाई जो हमारे गिलूभाई मैडम, पूरे गुजरात के नेता थे, जो हिंदी राज्य को वो इधर लाए थे, ठीक है, इसे कद्दावर नेता, अभी जल्दी चल बसे। तो वो क्या है कि कद्दावर नेता तो बनते नहीं, मिलते हैं, जन्म से होते हैं। तो ऐसा उसकी राह पर चलाने के लिए हमको कद्दावर नेता जो थे वो चल बसे। हम नया नेता को खड़ा करने के लिए अभी उसके लिए भी बहुत बड़ा काम करने का है, और उसमें उसके लिए एक संगठन की भी हमको बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन हम क्यों अभी ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम ध्यान इसलिए दिए कि अभी वो शिक्षण करो, आप सब हो जाएगा। वरजांग भाई बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इस समय पूरे गुजरात में अहिर समाज की 15,000 लड़कियां शिक्षा के लिए अलग अलग जिलों के हॉस्टल में रहती हैं। वरजांग भाई बताते हैं कि वो उनके समाज के हित के लिए बनाए गए ट्रस्ट में ऐसे लोगों को शामिल करते हैं जो एक हाथ से मदद करते हैं तो दूसरे हाथ को खबर तक नहीं होती, यानी यहाँ किसी भी तरह का कोई दिखावा या शोरगुल नहीं होता। गुजरात में इस समय अहिर समाज की तादाद करीब 35 लाख है। इस समाज के सदस्य गुजरात मंत्रिमंडल में भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समाज के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, सूरत।